जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावसकांत, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM रेडियो वही अपना FM 107। राइट, आप सुन रहे हैं डिलाइट डिलाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मावसकांत। मेरे साथ मेरी फिटनेस गुरु मौजूद हैं आदिल परवेज। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मावस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं आदिल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट, ठीक। जबरदस्त, ग्रेट। और गर्मी के क्या हाल चाल है वहाँ? जी गर्मी तो है, बहुत है, आपको पता है गर्मी का सीजन चल रहा है तो काफी गर्मी है कराची में। ऐसी गर्मी तो पहले मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखी होगी अपनी लाइफ में। अच्छा? जो अब इस साल हो रही है। ओहो, मतलब हर साल से ज्यादा गर्मी है इस दफा? जी जी बिल्कुल, हर साल से बहुत ज्यादा गर्मी है। होपफुली इंशाल्लाह मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ से बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें आज के फिर टॉपिक की तरफ आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ विल यू गेट स्टार्टेड, आप किस तरह अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल को अपनाएंगे और किस तरह उसको शुरू करेंगे। उस हवाले से जो है वो हर जो आपका गोल है ना वो आप पहले डिसाइड करेंगे। तो उस हवाले से हम आज बात करेंगे कि आप अपना गोल कैसे डिसाइड करेंगे, उसको अचीव किस तरह करेंगे और अपने आप को स्टार्ट जो देखें, जो भी चीज आपने करनी है उसका स्टार्ट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप एक बार स्टार्ट जब कर लेते हैं तो फिर जो है वो मतलब कि आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर आप रिजल्ट अचीव कर पाते हैं। तो पहले जो है वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, तो काफी लोग जो है वो पहला जो स्टेप है ना वो ही लेने में काफी घबराते हैं। तो अगर वो ले लेंगे तो उनके लिए आगे बहुत आसानियां हो जाती हैं और वो उस चीज पे फिर यूज टू हो जाते हैं। तो पहला जो स्टेप है हम उसके बारे में आज बात करेंगे, किस तरह आप स्टेप लें और किस तरह अपनी जो है वो रूटीन को चेंज करें, जो मोटे से पतला होना चाहते हैं या फिर जो पतले से जो अपने आप को फिट करना चाहते हैं या थोड़ा मसल मास गेन करना चाहते हैं, उस हवाले से हम बात करें। ठीक है, तो उसके हवाले से आप मुझे बताएं भी और इसके साथ ही मैं लिस्टनर्स को भी बता दूं कि अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो 666-222-107 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे जो पेज पे जाके आप बता सकते हैं हमारे स्टेटस पे कि आप आदिल से क्या पूछना चाहेंगे और कॉल भी कर सकते हैं साथ ही साथ, लेकिन थोड़ी देर के बाद कॉल कीजिएगा जब तक आदिल थोड़ा बता दें आपको, फिर उसके हवाले से आप कॉल कर सकेंगे। जी आदिल जी, मेरा कहने का ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताऊंगा कि जो भी स्टार्टर्स हैं जो भी बिगिनर्स हैं वो इस चीज को किस तरह स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको अपना जो है वो गोल डिफाइन करना है कि आपने करना क्या है अपनी लाइफ में। अब क्या आया आपको फिटनेस लाइफ या फिटनेस लाइफस्टाइल आपने अपनाना है, और अगर आपने वो डिसाइड कर लिया अपने माइंड में कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब मैंने बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल आप लोगों को दूं कि मैं जब मोटा था तो मैं बहुत ज्यादा लिथार्जिक और बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहा था और मैं फैट हो चुका था अपनी रूटीन से, और मतलब कि मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था उस टाइम जब मेरा वेट बहुत ज्यादा था। तो आप ऐसी बात है, जब आपका वेट ज्यादा होता है तो आपको किसी भी चीज में मजा नहीं आता, ठीक है, जो सिवाय खाने के अलावा और सोने के अलावा आपको कोई भी चीज आप इंजॉय नहीं कर सकते। आप इवन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बैठेंगे तो आपको फील होगा कि आपने एक ही जगह दो सीटें घेरी हुई हैं अगर आप मोटे हैं तो काफी जो है वो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उसको आपने अपनी पर्सनैलिटी को आपने रिवाइव करना है और आपने जो है वो अपना वेट लॉस करना है, तो वो आपने स्टेप स्टेप आपने लाजमी लेना है और आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है अपने आप को इतना मोटिवेट कर लें कि मैंने जो है अब जो है ना मैं जा रहा हूँ जिम या अब मैं जो है वो पार्क जाऊंगा जॉगिंग करने के लिए, और कंसिस्टेंसी मैंने उसमें दिखानी। तो आप जैसे कि मैं न्यू कमर्स के बारे में बात करूं, अगर कोई नए जो लड़के हैं या फिर नए लड़के लड़कियां या जो भी पब्लिक है जो 16 से 17 साल की है तो वो जिम जाए, सबसे पहले आप जो है किसी अच्छे से जिम में या अच्छे से जो है वो क्लब में आप वहां से मेंबरशिप लें, और फिर जो है वो हफ्ते में कम से 4 to 5 times a week आप जो है वो ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करें। डाइट जैसे ही आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे आपका खुद ही दिल चाहेगा कि आप खाएं अच्छा,
जब आप अच्छी ट्रेनिंग करेंगे तो फिर आप जो है वो, जब अगर आप जंक फूड या फिर आप ऐसा खाना खाएंगे जिसमें जो है वो चिकनाई या फिर फैट या फिर जो आपके लिए नुकसानदेह आपके जिस्म के लिए, तो उसको आप खाते हुए फिर सोचेंगे एक बार, तो लाजमी आपको एक ऊपर से आपको एक अलार्म आएगा कि यार मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और मैं साथ में यहाँ दो प्लेट बिरयानी भी खाने आया हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपनी मेंबरशिप की फीस भी जाया कर रहा हूँ और अपनी हेल्थ के ऊपर भी इश्यूज कर रहा हूँ। तो ये चीजें आप खाएं, हर चीज खाता है इंसान, लेकिन आप जो है वो बहुत उसमें मॉडरेट लेवल पे खाएं। वंस इन अ वीक चल जाता है आप, अगर आप चीट मील लें और उसके बाद जो आप अपनी डाइट कंटिन्यू रखें। तो ये है कि आप इंशाल्लाह जो भी न्यू कमर्स हैं वो सबसे पहले अपना फिटनेस लाइफस्टाइल जो है वो अप्लाई करें। जरूरी नहीं है कि आप क्लब की मेंबरशिप लें, आप जॉगिंग करें, आप किसी पार्क कोई पार्क डिसाइड कर लें, उसका टाइम डिसाइड करें। अगर आप मोटे हैं तो आप जो है वो वहां पर हल्की थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब हल्का हल्का तेज चलें आप, फिर आप जो है आप देखिएगा इंशाल्लाह आप फर्स्ट स्टेप लेंगे, उसके बाद आपके सारे स्टेप जो है वो आसान हो जाएंगे। तो आप ब्रिस्क वॉक के बाद आप जॉगिंग करें, जॉगिंग में फिर आप जैसे आप पहले शुरू में आप 15 मिनट कर रहे हैं, तो फिर आप 5-5 मिनट हर हफ्ते या हर महीने बढ़ाते रहें, तो आप फिर आधे पौने घंटे या फिर 45 मिनट 1 आवर टू 1 आवर आप एक्सरसाइज का एक रूटीन आपका बन जाएगा डेली का। तो जो है वो ही मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है हर किसी की लाइफ में, फॉर द फिटनेस लाइफ, फॉर द फिटनेस लाइफ रूटीन वो ले लेंगे तो वो आपके लिए काफी बेहतर हो जाएगा और डाइट करना भी काफी आसान हो जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से जो है वो फर्स्ट स्टेप लेना, किस तरह मैंने भी इसी तरीके से लिया जब मैंने देखा कि लोगों ने जो है वो काफी मुझे टॉन्ट किया और मैं जो हूँ एक तरीके से माशरे पे बोझ अपने आप को समझने लगा था, जब हर कोई मुझे बोलता था कि आपने जो है वो वजन आपका बहुत ज्यादा और आपकी उम्र इतनी कम है। और ऐसी बात है, बचपन में तो जब आप स्कूल या फिर कॉलेज में होते हैं तो आपके जो आस मिलेगी हर चीज में, आप फिर आप अपने अपनी वर्क लाइफ में भी बहुत अच्छा फील करेंगे, वर्क लाइफ या फिर आपका कोई एकेडमिक्स है जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो आप वहां पर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे। और जब आप अच्छे स्मार्ट हो जाएंगे, जो पतले हैं वो सही स्मार्ट हो जाएंगे या फिर जो मोटे हैं उनका वेट लॉस हो जाएगा, तो फिर वो जो कपड़े पहनेंगे उसमें वो फील भी अच्छा करेंगे क्योंकि वो उनको सही फिट होंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं लाइफस्टाइल के लिए, जो अगर आपका फिटनेस लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे, बस आपको उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा सा जो है वो आपको अपने रूटीन को चेंज करना है। कॉम्प्रोमाइज जो मेन जो मैंने देखा है, जो मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेन कॉम्प्रोमाइज होता है खाने के ऊपर। हाँ। एक्सरसाइज तो हर कोई कर, तो ये खाने के बारे में पूछती हूँ, लेकिन इस वक्त एक कॉलर है हमारे पास होल्ड पर, तो उनको पहले लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ। ओहो, कॉल आई थिंक इनकी ड्रॉप हो गई, दूसरी कॉल की तरफ हम बढ़ेंगे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, मैं साजन बलोच बात कर रहा हूँ। जी साजन बलोच, क्या पूछना चाहेंगे आदिल से आप? जी अरब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। मुझे ये पूछना था, जैसे कि मैं बहुत पतला हूँ और मतलब इसके लिए क्या शुरुआत करूँ? अभी आपने बताया कि जॉगिंग मतलब क्या करना है इसमें, और खाने में थोड़ा बताएं मतलब क्या क्या खाएं। वैसे मैं अक्सर ज्यादा खाता रहता हूँ। मेरी वाइफ है ना, वो भी मेरी तरफ पतला है, वो मुझे कहता है डॉक्टर से गोली ले लो, लेकिन मैं गोली से मना करता हूँ, टेबलेट से मना कर रहा हूँ। मतलब लोग ज्यादातर टेबलेट खाते है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कोई और चीज है, आप इस बारे में तो बताए, मेहरबानी होगी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साजन बलोच। और ये कितने लकी हैं आदिल कि इनको मोटा होने के लिए कुछ करना है। इनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। तो ये क्या कर सकते हैं, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये किसी तरीके से थोड़े से मोटे हो जाए? अच्छा ठीक है, इनको जो है वो मैं इनको बिल्कुल बता देता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। मैं इनको बता देता हूँ इनको क्या रूटीन फॉलो करना है। इनको जो है वो अपनी डाइट में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जो मिकदार है वो बढ़ानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो भी वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में भी डिफरेंट थोड़ी रूटीन्स होती हैं, जैसे कि जो फैट लॉस कर रहे हैं उनके लिए वेट ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, जिसमें हम अपनी बॉडी को टोन
करते हैं, अपनी बॉडी को शेव करते हैं, उसके लिए जो है वो डाइट भी अलग होती है और हम उसका रूटीन जो वेट ट्रेनिंग है उसमें रूटीन में डिफरेंट करते हैं। उसमें हम रेपिटेशंस जो होती हैं एक्सरसाइजेस की वो उसकी रेंज होती है, जैसे कि 8-10 रैप्स निकालते हैं हम, जिसमें अगर हमें जो है वो वेट गेन करना है तो, और हमें वेट लॉस करना तो हम 12-15 रैप्स निकालते हैं, ठीक है। तो इनको जो है वो हैवी वेट के साथ कम जो है वो इनको हैवी वेट के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वेट लिफ्ट करना है, ठीक है। जो भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं सबसे पहले तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ठीक है, और उसको कंटिन्यू रखें। जो देखें जब वेट जो गेन करना होता ना उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है, वो ये नहीं कि आप 3 महीने में आप अपना अपनी बॉडी को एक्सपेक्ट करेंगे उसने जो है वो 10 किलो वजन गेन कर लेना है। जो ऐसे लोग होते हैं ना जो पतले होते हैं जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है और वो खाते ज्यादा हैं तो उनको लगता भी नहीं, मेरे ख्याल से इनके साथ यही प्रॉब्लम है कि ये खाते सब हैं लेकिन इनको लगता नहीं है। तो उसके लिए इनको अपने जिस्म को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट की डाइट इनको बनानी पड़ेगी जिसमें इनको बीफ भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इनको एक प्रोटीन सोर्स है जो हम लोग जो फैट लॉस को सजेस्ट नहीं करते, जो फैट लॉस के लिए आते हैं लोग जिसमें बीफ, जैसे बीफ है तो इन है वो रेड मीट थोड़ा सा लेना पड़ेगा अपनी डाइट के अंदर अंडों के साथ, जैसे कि अगर ये 6 अंडे खा रहे हैं या फिर जो उसके साथ इनको 2 जर्दियां लेनी पड़ेंगी। और वे ये नेक्स्ट जब 6-8 महीने इनको हो जाएंगे एक्सरसाइज करते हैं फिर ये वे प्रोटीन के सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं अपनी अपनी डाइट में, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी ले सकते हैं। ये डिफरेंट, मैं जो नाम ले रहा हूँ ये डिफरेंट सप्लीमेंट्स होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं ये, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये हर जगह इवन के वेस्टर्न कंट्रीज में जो जिम्स होते हैं वो आपको मेंबरशिप नहीं देते अगर आप ये उनकी जो बताए हुए सप्लीमेंट्स हैं वो उनको फॉलो नहीं करते। काफी ट्रेनर्स हैं जो कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स बताते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में, कनाडा में, और वो अगर आप उनको नहीं लेते या उनकी एडवाइसेस पे अमल नहीं करते तो वो आपको ट्रेनिंग नहीं देते। अच्छा। लोग यहाँ पर जो हमारे एशिया में हैं और जैसे कि अमेरिका, ये पाकिस्तान, इंडिया और यूएई, मिडल ईस्ट में भी जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, हालांकि मिडल ईस्ट तो काफी एडवांस है सप्लीमेंटेशन के हवाले से, तो उसमें जो है कुछ लोग हैं जो काफी बहुत बड़ी मिथ है कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं और वो जो है वो एक आर्टिफिशियल चीज है जिस्म को टोन करने की या बॉडी बनाने की, तो ये बहुत गलत है। हम अपने बच्चों को भी इससे रिलैक्स देते हैं, शायद आपको पता हो कि वहाँ पे डिफरेंट किस्म के मिल्क होते हैं जिसमें नेक्टोजन और बंजाइडोनो, व्हाट आर द नेम्स, तो वो कुछ ऐसे हम अपने बच्चों को भी कुछ फूड सप्लीमेंट्स देते हैं। तो ये जो मैं वो वे प्रोटीन या क्रिएटिन की बात कर रहा हूँ, ये कोई भी फिटनेस एथलीट है या फिर जो भी बंदा फिटनेस को अप्लाई कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर उसके लिए ये भी उसी 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 तरह काम कर रहा है जैसे कि वो सप्लीमेंट उस बच्चे के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट गिविंग अ सपोर्ट टू योर डाइट ताकि आपका जो गोल है वो मीट हो सके। और ये सारी मतलब कि कोई इतनी कोई इतने को डेंजरस ये कोई डेंजरस होते नहीं है, ये बहुत ज्यादा हमारे एक मिथ है बस कि इसको, तो वो आपको सप्लीमेंट भी लेने पड़ेंगे सही बाद में 6-8 महीने बाद जब आपका जिस्म जो है वो थोड़ा सा आदी हो जाएगा एक्सरसाइज का, तो अब वो अपने अपने उसमें डाइट के अंदर सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वे प्रोटीन या डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स के भी सप्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन मतलब कि लेकिन आप उसके बगैर भी अगर आपका जिस्म अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप उसके बगैर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये कि आपको फर्स्ट जो है वो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है प्रॉपर हैवी, जिसमें आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हैवी वेट पे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है वो डाइट प्रॉपर करनी जिसमें आप प्रोटीन सोर्सेज अपने बढ़ाएं, डाइट में जो है एक्सरसाइज से पहले जो है कुछ अच्छे कार्ब्स ले लें, केले खा लें, आलू खा लें, दलिया रखें अपनी डाइट के अंदर, तो जैसे कि नाश्ते पूरा रूटीन बनाएंगे, नाश्ते हम अंडा खाएंगे ब्राउन ब्रेड के साथ या फिर आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, और फिर आप दोपहर में जो है वो आपका लंच होगा जिसमें आप चिकन ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, उसके साथ कुछ मिक्स सैलेड ले लें। फिर आप एक्सरसाइज से पहले अगर आप शाम में जाते हैं जिम तो आप एक्सरसाइज से पहले जो है वो दलिया ले सकते हैं या फिर बॉइल्ड जो या सीन वो पोटैटोस ले लें, ठीक है, और साथ में कुछ प्रोटीन सोर्स के लिए आप 2-3 अंडे ऐड कर लें और फिर आप एक्सरसाइज करने चले जाएं, और एक्सरसाइज के बाद आप आए तो आप एक अच्छा जो है वो प्रोटीन रिच जो है वो मील ले लें, जैसे कि आप बीफ ले सकते हैं, बीफ में आप कीमा बना सकते हैं उसका, ठीक है, कीमा राइस के साथ थोड़ा सा राइस या फिर आप पास्ता ले सकते हैं उसके साथ या स्पेगेटीज ले सकते हैं, तो वो आप लें। फिर उसके बाद रात में सोने से पहले आप मिल्क ले सकते हैं, और वैसे आप अपनी ऑल द डे आप जो है अपने उसमें डाइट के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स जैसे कि डेट्स,
आलमंड्स या वॉलनट्स या फिर कुछ पीनट्स वगैरह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. पीनट बटर बहुत अच्छा है वेट गेन के लिए. आप एक पीस के ऊपर, एक ब्राउन ब्रेड के ऊपर आप पीनट बटर लगा के वो आप ऐसा स्नैक आप किसी एक दिन के रूटीन में ले सकते हैं अगर आपको वेट गेन करना है. तो ये आपको रूटीन थोड़ा अपना चेंज करना पड़ेगा. खाने का रूटीन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. दिन में तीन से ज्यादा खाना पड़ेगा आपको. तीन टाइम हम मील लेते हैं नॉर्मल, तो हमें छोटे छोटे पोर्शंस में 5 टाइम खाना पड़ेगा ताकि हमारा मेटाबॉलिक रेट और बढ़े और हमारा जो है वो वेट भी बढ़े. जो उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं जो वेट गेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको 5 मील लेना पड़ेगा. ठीक है, चलो एक कॉल और लेते हैं हम, क्योंकि बहुत कॉल्स आ रही है मेरे पास मुसलसल, तो मैं चाह रही हूँ कि एक कॉल कम से कम और लूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लोगों ने भेजे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे. ठीक है. हेलो जी. जी जी बोलिए. वालेकुम सलाम जी. सिस्टर जी, एक सवाल ये था कि मतलब शुरू से हम लोग को मतलब जिम करने का ऐसा शौक बहुत था, और जब हम अपने से बड़ों को देखते थे तो एकदम ख्वाहिश पैदा होती थी, अरे अच्छी मसल अच्छे बॉडी अच्छी है. तो मगर जहन में भी ये था कि अगर जिम हम कंटिन्यू करेंगे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तो बॉडी मेंटेन रहेंगी, और उसके बाद अगर ब्रेक कर दिए तो फिर वो बॉडी जो है सो शेप बिगड़ जाएगा उसका. अच्छा, तो कंटिन्यू मैं 6 to 7 ईयर स्विमिंग किया. हमारे एक सर थे, उन्होंने बोले कि जिम क्या जिम जाते, स्विमिंग अच्छा है. तो स्विमिंग किए, तो स्विमिंग से जब वही टाइम पे जो हमारे सीनियर्स थे हमारे स्कूल के कॉलेजेस के, तो वो लोग जिम ज्वाइन करते, जिम ज्वाइन किए थे वो भी करे. उसके बाद जब वो लोग जिम छोड़े तो एकदम बॉडी शेप में नहीं है, एकदम बेढंगे लग रहे, वो जैसा पेट निकल गया या फिर मसल्स कुछ वो नहीं दिख रहे. तो मैं अभी ये सर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जिम कंटिन्यू करने के बाद अगर ब्रेक कर लिए तो फिर उसको मेंटेन विदाउट जिम उसको कैसा मेंटेन करने का. चलें ठीक है. अच्छा, नाम बता दीजिएगा. रहेगा या फिर नहीं रहेंगे जी? नाम अपना बता दीजिएगा आप. फरहान अहमद खान. फरहान अहमद खान, चलें फरहान, आपका बिल्कुल हम जवाब देते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए. थैंक यू, बाय बाय. जी आदिल, आपने सवाल सुन लिया? जी 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 बिल्कुल. मेरे ख्याल से मैं इनका सवाल रिपीट कर देता हूँ. इनका क्वेश्चन ये है कि हम अगर जिम छोड़ देंगे या किसी भी टाइम पे हम जिम जो छोड़ेंगे तो हमारा जो है वो जिस्म वैसा नहीं रहेगा जैसे वो जिम करते हुए था, ऐसे ही है? ऐसे ही है. यही सवाल है इनका. अच्छा, मैं इनके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जहन में बिठा लें, जो भी लोग हैं जो भी फिटनेस को अप्लाई करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में अपनी लाइफस्टाइल में, कि फिटनेस इज नॉट अ हॉबी या फिर ये कोई टाइम पास नहीं है. ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको करें और फिर इसको आप छोड़ दें. ठीक है, कि मैंने थोड़ी देर की फिर मैंने छोड़ दी. ये एक लाइफस्टाइल है. ठीक है, आप जैसे कि खाना खाएंगे, रोज खाना खाते हैं, आप रोज खाना खाना नहीं छोड़ सकते. ठीक है, आपको अपने जिस्म के लिए खाना खाना जरूरी है. इसी तरीके से इट्स अ लाइफस्टाइल, यू हैव टू अप्लाई इट, और आपको जो है ये फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको जो है कुछ ना कुछ करते रहना. जाहिर सी बात है, आपका एक अल्लाह ताला ने लाइफ स्पैन बनाया हुआ है, एक पूरा लाइफ साइकिल है, आप हमेशा एक जैसे नहीं रहते. तो ये होता है कि वक्त के साथ साथ आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट डिफरेंट करती है. ठीक है, आप जैसे आप 30 साल के थे, जैसे आप 25 साल के थे, वैसे आप 40 साल की उम्र में नहीं रहेंगे, ऐसे ही है बिल्कुल. लेकिन आपको बिल्कुल आपको मेंटेन उसको करने के लिए वेट, आपको वेट ट्रेनिंग थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी ताकि आपका जिस्म जो है वो एकदम से ना बैठ. ठीक है, तो अगर आपको ये फिटनेस अपनानी है तो आपको ये अपने साथ एक वादा करना पड़ेगा, एक प्रॉमिस आप अपने साथ लेंगे. ठीक है, कि मैंने इस लाइफस्टाइल को ऑल अराउंड माय लाइफ या फिर मैंने जो है वो पूरी जिंदगी इसको जो है वो फॉलो करना है. ठीक है, बीच में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी बंदा बीमार हो जाता है, कभी फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना छूट जाती है ट्रेनिंग आपकी, या अगर आपका रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. लेकिन फिर अगर जो भी फिटनेस एथलीट होगा या फिर फिटनेस इंथ्यूजियास्ट होगा, जो भी फिटनेस लाइफस्टाइल को बहुत पसंद करता होगा, ठीक है, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर कोई भी और एथलीट हैं, वो लाजमी उसको वो मिस अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ मिस कर रहे होंगे और वो उसको दोबारा ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, जब वो उनका रूटीन सेटअप होगा. तो ये आप लाजमी अपना एक अपने पास नोट कर लीजिए, या फिर ये जो भी आपको बोलता है कि आपने जिम छोड़ दिया तो आप ऐसे हो जाएंगे, तो ये तो है. आप अगर जो है वो
कोई भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं और उसको नहीं करेंगे तो वैसे आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी. क्रिकेटर्स अगर क्रिकेट की प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो क्या ग्राउंड में परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. ठीक, तो ये आपको हमेशा जो है वो आपको जो है ये चीज लेनी कि आपको आधा घंटा पौना घंटा अपने फिटनेस लाइफस्टाइल को थोड़ा सा देना पड़ेगा, अपनी बॉडी को देना पड़ेगा थ्रू आउट योर लाइफ. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 60 प्लस हैं और वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपकी विल हो और आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, जो जिन्होंने छोड़ दी, जिनका जिस्म, जैसे ये सवाल कर रहे हैं कि उनका जिस्म ऐसा हो गया, तो उनकी खुद उनकी विलिंगनेस थी कि उन्होंने छोड़ दी उसको. उनके अंदर इतनी पावर नहीं थी, विल पावर नहीं थी कि उन्होंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया. अगर वो उसको ट्रेनिंग अपनी करते रहते तो उनका पेट ऐसा बाहर नहीं आता या फिर वो अनफिट नहीं होते. होपफुली इनको अपना अपने सवाल का आंसर मिल चुका होगा. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब दो तीन में सवाल है मेरे पास जो कि मैं करना चाह रही हूँ. साहिल शेख ने एक सवाल किया है और ये मेरा ख्याल लास्ट टाइम आपने जिक्र भी किया था इसका, कि जब भी हम जिम ज्वाइन करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ पेन्स होते हैं, शोल्डर में पेन होगा, कहीं ना कहीं होगा. तो ये पूछ रहे हैं कि ये पेन होता है तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे कम करना चाहिए इसको? इसको कैसे कम करना चाहिए? इसको रेस्ट से कम करना चाहिए. अगर आपको पेन हो रहा है तो आप अच्छा सोएं, कम से कम 8 घंटे की नींद लें. 8 से 9 घंटे की नींद लाजमी है अगर आप शुरू में ट्रेनिंग कर रहे हैं. ठीक है, और कोई मल्टीविटामिन लें, गुड फैट्स जैसे कि लिवर कॉड लिवर ऑयल आता है वो लें, कोई भी मल्टीविटामिन, अच्छी मल्टीविटामिन हर जगह हर कंट्री में अवेलेबल है, तो आप किसी अच्छी मल्टीविटामिन ले लें उसके साथ, और रोज जो है एक टैबलेट वो ले लें, और गुड फैट की एक गोली ले लें, और ये कि आप जो है रेस्ट करें. रेस्ट करें, आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो फिर ये रिकवर होगा. ठीक, क्योंकि जो मसल है आपका वो ब्रेक हो जाता है जब आप नए नए आप एक्सरसाइज करते हैं ना. शुरू शुरू में आपने एक्सरसाइज की और आपने जो है वो अपने जिस्म को जो है वो थोड़ा सा इसका आदि बनाना है, तो आपको जो है वो उस टाइम मसल से ब्रेक होते हैं, तो आपको रेस्ट करेंगे तो फिर वो रिपेयर होंगे और वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो फिर वो आप जब दोबारा एक्सरसाइज करेंगे तो वैसा दर्द आपको नहीं होगा. तो उसके लिए आपको जो मेन जो है वो रेस्ट है. ठीक है, ठीक, प्रॉपर नींद करें और अच्छी अच्छी डाइट लें. सही सही, चलो ठीक है. अच्छा, दो तीन सवाल मेरे पास और भी हैं, अगर थोड़ा टाइम मिल सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पीछे कोई है. पीछे से आवाजें आ रही है, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ दो तीन सवाल और थे, तो अगर वो मैं पूछूं या फिर अभी मुझे लग रहा है कि पीछे से कुछ आवाजें वगैरह आ रही हैं तो कंटिन्यू करें. जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज प्रॉपर? जी जी बिल्कुल आ रही है. अच्छा, अर्जुन रॉय ने आपसे सवाल किया आदिल, कि जब हम फर्स्ट टाइम कोई आदमी अगर जिम जाता है तो उसको कितने मिनट करना चाहिए या फिर वो 1 आवर कर सकता है अपना कंप्लीट फर्स्ट डे जिम में? अच्छा, इनका सवाल ये है कि कितनी देर ट्रेनिंग करनी चाहिए. हाँ, मतलब फर्स्ट डे गए हैं ये जिम, तो फर्स्ट डे ये क्या 1 आवर कर सकते हैं या फिर कुछ मिनट इनको करना चाहिए, मतलब कुछ मिनट से शुरू करें? नहीं, फर्स्ट डे आप जब जाएंगे जिम तो आप कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तक की, उससे ज्यादा आप ट्रेनिंग ना करें. दिस इज माय सजेशन. और उसमें आपकी सारी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइजेस कवर हो जाती हैं 45 मिनट्स में, अगर आप 1 मिनट का रेस्ट भी बीच में लें. ठीक है, ठीक, हर बॉडी पार्ट को आप ट्रेनिंग करना है आपने, ताकि उनको आप जो है वो यूज टू बना सकें उस ट्रेनिंग के लिए जो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट आप करने जा रहे हैं. ठीक है, तो उसमें आप 30-45 मिनट्स में आप ये एक्सरसाइजेस कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से. एक बॉडी पार्ट को अगर आप 1-2 एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, जैसे कि आप बाइसेप की 2 एक्सरसाइजेस करते हैं या ट्राइसेप की 1 एक्सरसाइज करते हैं, और इसी तरह आप चेस्ट की 2 एक्सरसाइजेस कर लें, बैक की आप 2 एक्सरसाइजेस कर लें, तो इस तरह आप जो है वो इसको पूरी पूरी जो आपका बॉडी पार्ट्स हैं उनको आप कर सकते हैं बिल्कुल 45 मिनट्स के अंदर अंदर आप कवर कर सकते हैं. ठीक है, आप ज्यादा टाइम लगाएंगे आप थक जाएंगे ज्यादा पहले ही दिन, और दूसरे दिन आप मोटिवेट होंगे नहीं, आपके पूरे जिस्म में इतना दर्द हो रहा होगा, आप बोलेंगे यार ये मैंने क्या कर लिया. सही. अच्छा, एक सवाल है शमीम शेख का, और ये कह रहे हैं कि इनका कुछ 85 से 90 केजी के दरमियान इनका वेट रहता है, और इनकी जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये कंटिन्यूसली काम करते हैं, तो ये एक्सरसाइज के लिए कैसे टाइम निकालें, क्या कर सकते हैं ये इस टाइम के अंदर? एक्सरसाइज ये क्या 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 ये टीवी देखने का टाइम निकाल सकते हैं अपनी जिंदगी में? क्या ये कोई फिल्म देखने का टाइम निकाल सकते हैं अपनी जिंदगी में?
अगर ये इस चीज का टाइम निकाल सकते हैं तो ये आधा घंटा एक पौना घंटा ट्रेनिंग का भी निकाल सकते हैं. चल अली शमीम शेख अब लग जाएं आप. अच्छा मुस्लिम अंसारी का मेरे पास मैसेज है, मैं कह रही हूँ शमीम शेख तो अब लग जाएंगे, मतलब आधा घंटा तो निकालना ही निकालना है उन्होंने. अच्छा मुस्लिम अंसारी का एक मैसेज है और ये कहते हैं कि मेरा जो मुझे अपना पेट कम करना है, वेट तो मेरा 68 है लेकिन पेट किसी तरह से कम हो जाए. पेट इस वजह से कम, इस तरीके से कम होगा कि उसके लिए आपको जो है वो डाइट करनी पड़ेगी. किसी ने कहा है कि एब्स आर नॉट मेड इन द जिम, एब्स आर मेड इन द किचन. ठीक है, तो ये इनको डाइट थोड़ी करनी पड़ेगी, इनको थोड़ी अपनी डाइट को पहले देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या खा रहा हूँ जिससे मेरा पेट निकल रहा है. इनका काम मेरे ख्याल से ज्यादा जो है वो बैठने का होगा, तो एक तो इनको एक्सरसाइज भी करनी है थोड़ी बहुत, आधा पौना घंटा एक्सरसाइज भी करेंगे, ये कार्डियो करेंगे. पेट का एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि लोग समझते हैं कि पेट लगा रहे हैं, हम क्रंचेस कर रहे हैं, लेग रेजेस लगा रहे हैं, साइड स्किट्स कर रहे हैं, तो हमारा जो है वो पेट कम हो जाएगा. इससे पेट तब तक कम नहीं होगा जब तक उसका फैट कम नहीं होगा. और पेट का जो फैट है वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करने से कम होता है, जिसमें रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, ये एक्सरसाइजेस आती है जिसका आपका जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है और आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज, आपका बॉडी फैट ओवरऑल रिड्यूस होता है. तो इनको जो है वो कोई एक एक्सरसाइजेस, एक एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये जॉगिंग कर सकते हैं या ये अपने एक घर में साइकिल ले लें, घर में ट्रेडमिल ले लें, उसमें अपने आधा घंटा दे दें अपनी जिंदगी का और उसमें रोज वो कार्डियो कर लें, आधे से पौना घंटा वो आप जॉगिंग कर लें, तो आपको लाजमी विद इन 2 months आपको फर्क महसूस हो जाएगा आपका पेट पहले से कम हुआ. और अपनी डाइट को जरूर देखें कि आप कहीं, आप अगर आप देसी हैं तो आप तंदूर की रोटियां खा रहे होंगे, बिरयानियां खा रहे होंगे ज्यादा, तो इस वजह से आपका पेट जो है वो वजह से, और आप बैठे रहते होंगे इस वजह से आपका पेट ज्यादा बढ़ रहा है. तो आप कुछ अपनी डाइट में चेंजेस करें और एक एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लें, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, या तो आप वॉक करें ज्यादा तेज, उससे भी आपका पेट कम हो जाएगा. जो भी वो एक्सरसाइज जो आपका हार्ट रेट बढ़ाती है और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे, और आपका बॉडी फैट लो होता है, तो वो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेट भी ऑटोमेटिक कम हो जाए. जब आपका पेट थोड़ा कम हो जाए उसके बाद आप जो है वो एब्स लगा सकती हैं. आप एब्स के एक दो एक्सरसाइज कर लें हफ्ते में 3 से 4 बार, तो उसमें जो है वो आपके पेट के मसल्स भी डेवलप हो जाएंगे. चलें ग्रेट, जबरदस्त आदिल, बहुत अच्छा लगा. अच्छा एक मैं आपको बस ये सवाल तो नहीं है लेकिन सिर्फ बताना चाह रही हूँ, निशान खान ने मैसेज भेजा है आपके लिए, कहते हैं मेरा भाई जो है जुल्फिकार अली सऊदी अरब में, उधर हमारा अपना जिम है और आज वाला सेगमेंट में स्पेशली उसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको सेंड करूंगा. That's great. अच्छी बात है, मेरी वजह से अगर कोई जो है वो मेरी चीजें सुनता है तो it would be very nice for me, मुझे अच्छा लगता है. ग्रेट, जबरदस्त आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत कुछ जानने को मिला है. फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे आपकी बातों से मेरे जहन में सवाल और टॉपिक्स पैदा हो रहे थे, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कवर करेंगे. ठीक है जी, जी बिल्कुल. चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. आप सुन रहे थे हमारे साथ फिटनेस गुरु, हमारे आदिल परवेज मौजूद थे, और यकीनन आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा. डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त सी चीजें पता चली हैं. वेट गेन करना है, कम करना है, कुछ भी करना है, तो आदिल हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह हर संडे को. आप हर संडे को अपने सवालात हमें भेज सकते हैं, या तो मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करके भी, जैसे आज आपने पूछे तो इसी तरह से सवाल कर सकते हैं. अच्छा थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी डिहाइड्रेशन की, और उसमें मैंने गलती की, मैं बोल रही थी अगर आप डिहाइड्रेट रहना चाहते हैं तो पानी पिए, तो मैं गलत कह रही थी, कुछ मुझे भी हाइड्रेशन हुई भी है, तो वो भी अच्छा किया. मेरे पास अभी एक मैसेज आया, उन्होंने बताया कि आप बार बार डिहाइड्रेट कह रही हैं और हाइड्रेट रखने के लिए होता है. बिल्कुल जी, आप बिल्कुल आपकी बात सही है, और अगर आपने आपने आपको हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन से बचना है, तो पानी पिए. मैं गलत बोल रही थी क्योंकि मुझे खुद भी प्यास लग रही है, तो मुझे पानी पी लेना चाहिए. और जब तक आप इंजॉय कीजिए जबरदस्त ट्रैक हदीका कियानी की आवाज में, मेरा पर्सनल फेवरेट है. क्या सॉन्ग है, क्या सॉन्ग है, मतलब पता नहीं, हो सकता है कि आप लोगों को इतना अच्छा ना लगे लेकिन मुझे तो